ई कैट मैथमेटिक्स एफ एस सी पार्ट वन चैप्टर नंबर 14 जो कि है सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, उसमें जिन दो टॉपिक्स को आज हम डिस्कवर करेंगे उसमें पहला टॉपिक है जी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और दूसरा है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड है कि अगर हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कंटेन्स मतलब उसके हवाले से बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कंटेन्स डैश ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में होने चाहिए तो तब हम उसे ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो इक्वेशन कहेंगे। अब पहला जो ऑप्शन है उसमें एटलीस्ट वन है यानी कम अज कम एक होनी चाहिए टर्म, ठीक है, या दूसरा ये है कि एग्जैक्टली फोर यानी चार लाजमी होने चाहिए और एग्जैक्टली वन यानी एक ही हो और ना हो, या फिर ये कि एट द मोस्ट वन यानी सिर्फ एक ही होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा हुआ तो एक हो। तो अब अगर हम इन ऑप्शंस पे देखें तो बाय डेफिनेशन जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन को समझा था तो इसमें था जी एट लीस्ट वन कम अज कम एक होना लाजमी है, ठीक है, अदरवाइज फिर हम इसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। जैसे फर्ज करते हैं कि हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखते हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स शामिल है और इक्वालिटी का साइन भी और दूसरी तरफ एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी, तो इस तरीके से फिर हम इस एमसीक्यू का आंसर जो है वो कर सकते हैं। सेकेंड एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी, इसकी स्टेटमेंट यूं है टू सॉल्व अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फर्स्टली वी फाइंड द सॉल्यूशन ओवर द इंटरवल विच इज डोमेन, ए ऑप्शन में, बी रेंज, सी पीरियड और डी नन ऑफ दीज। देखिए फर्ज करें अगर मैं एक फंक्शन लिखता हूँ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2, तो अब बेसिकली मैं जो एक्स की फर्स्ट वैल्यू ढूंढूंगा वो इस इंटरवल में देखूंगा जो कि इस फंक्शन का पीरियड है, यानी हम जानते हैं कि साइन ऑफ एक्स प्लस 2π और साइन ऑफ एक्स ये एक बराबर है, ठीक है, ये एक बराबर, हमने अलाइड एंगल फार्मूला में भी पढ़ा था कि जो 90 के इवन मल्टीपल्स होते हैं उसमें फंक्शन वही रहता है और चूंकि अब आप 2π में एक्स ऐड कर रहे हो, एक्स एक अगर एक्यूट एंगल है तो आप फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, ठीक है, और आप साइन एक्स ही लिखेंगे, तो इस लिहाज से हम यूँ कहेंगे जो हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो पहले उसके मतलब फर्स्ट पीरियड में ढूंढते हैं, फिर जो हमारे पास एंगल्स की वैल्यू आती हैं, ठीक है, जिन जिन एंगल्स पर ये वैल्यू आ रही है उन पे हम 2π यानी जो उस फंक्शन का पीरियड है वो ऐड कर लेते हैं, इसलिए हम इसमें जो डोमेन या रेंज पे नहीं जाएंगे बल्कि हम पीरियड पे जाएंगे और इस तरीके से फिर हम जो सॉल्यूशन है एक जनरल सॉल्यूशन या अगर हम यूं कहें कि एक जो हमारे पास पर्टिकुलर जो फर्स्ट इंटरवल का सॉल्यूशन है अगर हम प्रिंसिपल साइन फंक्शन की बात कर रहे होते हैं फिर हम उस इंटरवल के अंदर रहते हुए जवाब देते हैं जो कि हमने प्रिंसिपल फंक्शन के लिए रखा है, लेकिन चूँकि यहाँ पर जब हम एक जनरल बात करेंगे सॉल्यूशन की तो फिर हम जो पीरियड ऑफ द फंक्शन है उसको देखते हुए सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी जो इस तरह से है कि सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जिसमें कि हमें जो वैल्यू है एक्स एंगल पर वो बता दी गई है वो नेगेटिव स्क्वायर रूट 3/2 है। अब जैसे कि हमने कहा था कि हम जो सॉल्यूशन है वो पीरियड के इंटरवल में देखते हैं तो कॉस फंक्शन का जो पीरियड होता है वो 2π है, ठीक है, ये ऑलरेडी हम जानते हैं और ये तमाम ही ऑप्शन इसके पीरियड में आते हैं यानी 0 से 2π के इंटरवल में आते हैं, ठीक है, तो अब हम इस चीज़ को देखेंगे कि हमारे पास जो नंबर है मतलब कौन सा एंगल हो सकता है, जैसे अगर हम रिवर्स इंजीनियरिंग के मेथड को यूज़ करें तो कॉस की वैल्यू 5/3 जो कि बनता है 60 डिग्री, 60 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो ये तो अंडर रूट 3/2 इसका ए ऑप्शन नहीं हो सकता। 5/4 पे होती है जी 1/2, वो भी नहीं हो सकती।
सी ऑप्शन 90 पे जीरो, और अब ये डी ऑप्शन रह जाता है जो कि फिर बिल्कुल एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये क्वाड्रेंट भी बनता है सेकंड क्वाड्रेंट, तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है। हम इस एंगल को यूं लिख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है जी 5 बाय 6 है तो 30 डिग्री, ठीक है, 5 टाइम 30 डिग्री जो कि 150 डिग्री बन जाता है। अब अगर आप देखें तो 150 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 60 डिग्री, ठीक है। और अब अगर आप देखें तो कॉस की वैल्यू, कोसाइन फंक्शन की वैल्यू हम अगर 150 या 90 प्लस 60 पे देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये एक अलाइड एंगल है, यानी इसमें 90 का ऑड मल्टीपल आ गया है, 91 टाइम है, तो हम इसे साइन फंक्शन के साथ रिप्लेस करेंगे और 60 एंगल लिखेंगे, डिग्री एंगल, ठीक है। और साइन जो है वो कॉस, चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये एंगल आ रहा है 150, नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसी साइन के साथ जो साइन आएंगे वो नेगेटिव साइन आएंगे, ठीक है। और ये हमारे पास साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो देखें ये बिल्कुल यहाँ पर वेरीफाई भी हो गया कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या जी बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन ऑफ कोसाइन ऑफ 3x इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे याद रहे कि ये वो एंगल है 3x जिसपे कोसाइन जो फंक्शन वैल्यू दे रहा है वो 1/2 दे रहा है, और हम जानते हैं कि कॉस जो है 60 डिग्री पे, ठीक है जी, 60 डिग्री पे जो वैल्यू देता है वो 1/2 देता है। इसका मतलब कि जो 3x है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो 60 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि हम सॉल्यूशन में x की बात करेंगे तो x किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 1/3 टाइम्स ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। अब 60 डिग्री को हम कह सकते हैं कि ये कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 के इक्वल भी है, यानी हम यूँ भी कह सकते हैं कि इनवर्स फंक्शन ले लिया जाए तो इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन होती है वो फंक्शन की रेंज के बराबर होती है, और फिर जो फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स की रेंज होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 1/3 टाइम्स कोसाइन इनवर्स ऑफ 1/2 के बराबर है, ये सोल्यूशन है जो कि ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। यानी ऑप्शन नंबर ए को हम नहीं कह सकते, चूंकि ए हम जो एक्स की वैल्यू अगर हम लिखेंगे 60, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करके 180 बन जाएगा, कोसाइन की वैल्यू 180 पे होती है -1, ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ये भी नहीं लिख सकते कि हम 3 को पहले यहाँ लें और 1/6 बना लें और फिर कोसाइन इनवर्स 1/6 लें, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, और फिर ये भी डी भी ऑप्शन रॉन्ग है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी कि इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द सॉल्यूशन ऑफ साइन 2x इक्वल टू कोसाइन 2x। यानी अगर फर्ज करें मैं पाई बाय 2 की बात करता हूँ, मैं इसको चेक करता हूँ क्या ये दो वैल्यूज यहाँ पर इसे सेटिस्फाई करती हैं इस रिलेशन को या नहीं करती हैं, ठीक है। तो बल्कि ये 3π/2 है, यहाँ पर 3π/2, पाई बाय 2 पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास 90 और 90 का अगर हम डबल कर लें तो ये 180 है, तो साइन 180 जो होता है वो ज़ीरो होता है, जबकि कोसाइन की वैल्यू जो है इसी नंबर पर पाई बाय 2 पे वो होती है हमारे पास क्या जी कोसाइन 90 ज़ीरो होता है, ठीक है। ये यहाँ पे तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन क्या 3π/2 पे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर हम यहाँ पर 3π/2 पुट करते हैं तो ये साइन 3π बन जाएगा, यानी कि 180 यहाँ पर अगर मैं सर्कल बना लूँ तो ये 180 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 180 डिग्री, यानी यहाँ पर तो ज़ीरो आ जाएगी वैल्यू। लेकिन जब मैं 3π/2 की बात करूँगा, यानी ये फर्स्ट π/2, ये सेकेंड π/2, ये थर्ड π/2, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉस की वैल्यू वो हमारे पास क्या आती है जी, वो ज़ीरो आती है। लेकिन अब अगर हम इस तरीके से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो क्या ये बिल्कुल इसकी हर वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करेगा। अब हमने इस बात को भी साथ में देखना, यानी अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये बनती है साइन एक्स कोसाइन एक्स, ठीक है, कोसाइन एक्स, और अगर इस साइन एक्स को भी दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया जाए तो ये कोसाइन एक्स इधर आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, और अगर हम इन दोनों में से कोसाइन एक्स को कॉमन ले लें
तो हमारे पास यहाँ पर 2 साइन एक्स बच जाएगा फर्स्ट टर्म में, और सेकंड टर्म में नेगेटिव 1 बच जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया। यानी कोसाइन एक्स इक्वल टू 0, जिस वैल्यू पे एक्स आंसर हमें 0 देता है, वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। और वो हम जानते हैं कि 90 डिग्री पे, कॉस की वैल्यू 90 डिग्री पे होती है, फिर इसके अलावा 3π/2 पे भी होती है। ठीक है, ये हमारे पास दो जवाब आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसके हवाले से बात करूं कि 2 sin x - 1 = 0, ठीक है, तो अब देखें 1 इस साइड पे अगर हम शिफ्ट करें तो 2 sin x = 1 आ जाएगा, और sin x = आ जाएगा 1/2। यानी अब वो भी x की वैल्यू जो के लिखने से sin 1/2 आंसर देता है, वो भी इसके सॉल्यूशन में शामिल। यानी अब हम जानते हैं sin 30 की वैल्यू जो कि π/6 बनता है, और साइन चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, तो हम इसमें मतलब इसको ऐसा कर लेते हैं कि पाई में से माइनस कर लेते हैं π/6, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है जी 5π/6। यानी 5π/6 पे भी साइन की वैल्यू 1/2 आनी है, और π/6 पे भी जो है ये कितनी आनी है 1/2। तो ये दो जवाब तो इधर लिखे ही नहीं हुए, ये तो मिसिंग है। ठीक है, इसलिए अब इसमें चूंकि उन्होंने कहा सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि ये उसके मुकम्मल जवाब है। ठीक है, ये दो वैल्यूज हो सकती हैं लेकिन मुकम्मल नहीं है, मुकम्मल ये जवाब है। इसलिए ना इस इंटरवल में ऐसा कुछ लिखा हुआ ना इस इंटरवल में, इसलिए हम इसमें नन ऑफ दीज को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें मुकम्मल जवाब चाहिए जो कि इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो शामिल है इस इक्वेशन में, उनके पीरियड के अंदर आने वाले जो इंटरवल में जितनी भी वैल्यूज हैं एक्स की, वो तमाम सॉल्यूशन में शामिल होनी चाहिए, जो कि फिर हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये दो वैल्यूज जो है वो यहाँ पर मिसिंग है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी इस तरह से कि आर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हैज डैश सॉल्यूशन, यानी इसके कितने जवाब हो सकते हैं, यानी जो एंगल्स हैं जो कि अगर हम उस इक्वेशन में उनकी वैल्यूज को दर्ज करें और इक्वेशन की लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर आए, तो कितने हो सकते हैं, क्या एक होगा सिर्फ, या दो होंगे, या बहुत होंगे, या डी ऑप्शन है कि इनफाइनाइट होंगे। तो यहाँ पर याद रहे कि इसके इनफाइनाइट जो है वो सॉल्यूशंस होते हैं। अब वो कैसे होते हैं मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे एक सिंपल हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब हम जानते हैं कि पहले चूंकि पीरियड साइन फंक्शन का जो होता है वो 2π होता है, तो 0 से 2π के इंटरवल में वो वैल्यूज एक्स की जो के 1/2 आंसर देती हैं, पॉजिटिव 1/2, ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, हम यहाँ पर अगर 30 डिग्री पुट करते हैं, या इसे मैं π/6 कहता हूँ, तब भी साइन की वैल्यू 1/2 आती है। ठीक है, एक एक सॉल्यूशन मेरे पास ये आ गया है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं अगर 5π/6 की बात करूँ, कैसे, अगर मैं पाए में से 5/6 को माइनस करता हूँ, तो ये 5π/6 बनता है। और अगर मैं साइन की वैल्यू ले लेता हूँ 5π/6 पे, ठीक है, यानी ये बनता है जी 150 डिग्री, 150 डिग्री, तो ये भी 1/2 आती है। अब कैसे आती है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। साइन फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन पॉजिटिव आएंगे। अब 150 डिग्री में अगर मैं इसको लाइट एंगल की फॉर्म में लिखूँ तो 90+60 लिख सकता हूँ। 90 जो है वो ऑड मल्टीपल है 90 का। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये फंक्शन जो है वो कोसाइन फंक्शन में तब्दील हो जाएगा, और 60 डिग्री पे हम वैल्यू देखेंगे, और साइन पॉजिटिव इसलिए रहेंगे क्योंकि साइन फंक्शन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास कॉस 60 की होती है 1/2। इसलिए देखें इसके दो जवाब आ गए हैं। अब ये तो पहले पीरियड की बात होगी, यानी अब चूंकि इसके पीरियड्स जो है जो फंक्शन है वो क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, अगर रोटेशन क्लॉकवाइज की जाए, ठीक है, तो हर -2π एंगल के बाद ये वैल्यू रिपीट होगी, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लें तो हर +2π एंगल के बाद जो है ये वैल्यू रिपीट होगी। ठीक है, इसका मतलब कि हम यहाँ पर जो π/6 है इसमें 2π n टाइम्स ऐड कर देंगे, और n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर रख देंगे। ठीक है, अब चूंकि एक सेट ऑफ इंटीजर कहीं भी खत्म नहीं होता, इसलिए ये इनफाइनाइट हमारे पास एंगल्स आ रहे हैं। और इसी तरह
पाई बाय सिक्स में भी हम टू एन पाई ऐड कर देंगे, तो इस तरह से इसके भी इनफाइनाइट हमारे पास एंगल आएंगे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं जी, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, और उसकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से जो है वो समझ सकते हैं।